मैंने बोली थी मैंने छोरा चाहिए छोरा दरअसल ये हमारा डर ही है।
जो हम खुद बाहर महिलाओं पर फैलाते हैं और फिर खुद ही अपने घर की महिलाओं के लिए महसूस करते हैं। बेटियों को सहनशील और बेटों को ताकतवर तो बनाते हैं, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं कि ये ताकत बेटियों की रक्षा के लिए है, उनको कष्ट देने के लिए नहीं। और बेटियों की सहनशीलता बेटों की प्रताड़ना सहने के लिए नहीं है, बल्कि कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी बिना झुके और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहने के लिए है। सही कहा अंकल आपने, असल में तो हमें हमारे बेटों की सही परवरिश करना ज्यादा जरूरी है, ताकि आने वाले समय में बेटों और बेटियों में कोई फर्क न रहे और वो इस देश के हर घर, हर गली, हर मोहल्ले और हर शहर में आजादी और बराबरी से रह सके। हाँ बेटा, और ये बदलाव तुम जैसा यूथ ही ला सकता है। निडर और बेखौफ होकर जब वो हमारे देश में रह पाएंगी, तभी तो वो अपने असली व्यक्तित्व की खोज कर पाएंगी और तभी बनेगा हमारा एक सशक्त और मजबूत भारत। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए आदर्श है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र, तू ये बेड़ियां पिघाल के बनाने इनको शस्त्र, तू बनाने इनको शस्त्र, तू तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए बताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी? ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है? तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। क्षमता भी तो,
ही सिक्के के दो पहलू। जिस बल को निर्बल का सम्मान करना नहीं आता वो सबसे बड़ा निर्बल। हम किसी का सम्मान करें क्या ये मुश्किल है? हम सबको समझें क्या ये मुश्किल है? हम किसी के साथ भेदभाव ना करें क्या ये मुश्किल है? ये आसमान हर पंछी की उड़ान के लिए खुला है, बस उनके पंखों को फैलने दे, उन्हें काटे ना, क्या ये जिम्मेदारी हमारी नहीं? भाई मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कहीं चल के कुछ खाएं। अरे वो देखो सामने एक ढाबा है, चलो ना प्लीज वहां पे, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। नहीं नहीं, पास में एक 5-स्टार रेटिंग वाला रेस्टोरेंट है, उधर चलते हैं। रेस्टोरेंट का सिलेक्शन भी फोन पर? भाई तुम कुछ ज्यादा ही फोन में घुसे रहते हो आजकल। डिजिटल इंडिया ब्रो। लेकिन जब सामने ही एक बढ़िया ढाबा दिख रहा है तो क्यों ना वहीं चल के खा लिया जाए, हो सकता है कि वहां का खाना भी अच्छा हो। बस एक कमी हो सकती है कि उनके पास वेबसाइट वगैरह की नॉलेज ना हो। भाई ऑनलाइन इज जस्ट करेक्ट एंड परफेक्ट, यहाँ इतने सारे रिव्यूज हैं लोगों के, देखो इतने बढ़िया बढ़िया। तो तुम भी वहां चल के लोगों के रिव्यूज ले लो, चलो आओ। छोड़ो ना टाइम वेस्ट करना, एटलीस्ट वहां पे ऑनलाइन पेमेंट तो कर सकते हैं। लेट्स गो देयर, चलो ना। ओफो तुम भी ना। चलो 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 आओ भी। ये क्या हो रहा है? ए फैमिली सेलिब्रेट करने आई है। और क्या फैमिली? कहाँ है फैमिली? वो देखो उस टेबल पर केक भी रखा है, लगता है किसी का बर्थडे है, वही सेलिब्रेट करता है। सच कहूं तो मुझे अभी भी कोई फैमिली दिखाई नहीं दे रही। हाँ कुछ लोग जरूर है जो अपने फोन्स पे लगे हुए। यही तो है डिजिटल इंडिया दोस्त, और यही है तुम्हारा फ्यूचर भी। अरे भाई इतना भी क्या डिजिटल होना कि अपनों के साथ होते हुए भी उनके साथ ना हो, किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं। तुम रुको मैं इनसे बात करके आता हूं। अरे वाह वीडियो गेम, और ये जो डिश मैं बनाने वाला हूँ वो ऐसी रेसिपी है जिसको वीडियोस बस कहेंगे वाह क्या दिखती है, और खाने के बाद उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो बनाने के लिए इंस्टाग्राम आंटी 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 क्या हुआ? आंटी आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ? हे भगवान ये मैं कहाँ आ गई? मैं तो टी सीरीज के भजन सुन रही थी, यहाँ मुझे कौन लाया? मैं कैसे आई हूँ यहाँ? अजी सुनते हो? भगवान 40 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन तुझे आज तक ये पता नहीं चला कि मैं सुनता हूँ। हर 10 मिनट बाद पूछती रहती है, अजी सुनते हो सुनते हो? हाँ हाँ मैं सुनता हूँ, बोल मेरा खाना खजाने का वीडियो निकला जा रहा है, जल्दी बोल। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी अभी चिंटू मेरे साथ सेल्फी लेकर गया है और पोस्ट किए फेसबुक पर, लव यू दादू।